आज की जो जॉब ओपनिंग है ये स्लोवाकिया कंट्री के लिए है। स्लोवाकिया शेंगेन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन में भी आता है ये। तो इसके अंदर जो कैटेगरी है ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्शन वर्कर चाहिए। इसमें जो इसमें आपका काम रहेगा वो कार मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कार के जो भी पार्ट होते हैं उनको असेंबल करने का काम रहेगा। इसमें सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, 930 से लेकर 980 आपकी बेसिक सैलरी होगी। और इसके साथ आपको बोनस मिलेगा, जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें आपको 100 यूरो बोनस मिलेगा जो सैलरी से अलग है। उसके आफ्टर 3 मंथ बाद आपको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए 150 यूरो बोनस मिलेगा। और उसके बाद जब आपको 6 मंथ हो जाएंगे तो उसके 6 मंथ के बाद आपको 250 यूरो बोनस में दिया जाएगा। तो इसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाएगी, यानी 1250 से 1300 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप इंडिया में देखो, इंडियन करेंसी में देखोगे तो आपके आराम से 1,20,000-30,000 के आसपास आपकी इसमें मंथली अर्निंग हो जाएगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। और इसमें जो ड्यूटी आवर है आपकी, इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी पर डे। और जो इसमें एलिजिबिलिटी है, इसमें आपको बेसिक्स इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कहीं प्रोडक्शन लाइन में काम किया तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करने में काफ़ी ईजी रहेगा। अगर फ्रेशर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको स्टार्टिंग में वो थोड़ा काम बताएंगे, सिखाएंगे भी, मतलब फर्स्ट 3 मंथ के लिए, मतलब वो काम मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड है फर्स्ट 3 मंथ। और उसके बाद मतलब आप आराम से इजीली काम कर सकते हो। और जो बेनिफिट है इसमें, कंपनी फूड इसमें आपका खुद रहेगा, और बाकी जो कंपनी इसमें एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस ये कंपनी प्रोवाइड करवा रही है इसमें आपको। और इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, PCCA इसमें चाहिए, और फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसमें, ये कुछ डॉक्यूमेंट है। अगर आपने कहीं प्रोडक्शन लाइन में, असेंबली में कहीं वर्क किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर तो भी। और इसमें जो टोटल टाइम लगेगा वो 3 से 4 महीने का टोटल टाइम है। और इसमें 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी मिलेगा आपको, जो आगे एक्सटेंडेबल भी होगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड है। और स्लोवाकिया शेंगेन कंट्री के अंदर आता है, तो अगर आपको इसका वीज़ा मिल जाता है तो आप 27 कंट्री में कहीं और भी मूव हो सकते हो, जो शेंगेन कंट्री के अंदर, जो भी शेंगेन में आते हैं जो भी कंट्री। तो मगर जैसे ही आप स्लोवाकिया कंट्री चले जाते हो तो उसके कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद आपका TRC कार्ड इसमें बन जाएगा, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवा देगी। और इसमें 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है, तो वो प्रोबेशन पीरियड आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कहीं और अगर मूव होना चाहते हो और आपके नोन है कहीं और वहाँ जाके आप कहीं और जाना चाहते हो वहाँ से किसी और शेंगेन कंट्री में, तो 6 मंथ के बाद आप कंपनी से NOC ले करके किसी और कंट्री में भी मूव हो सकते हो, लीगली मूव हो सकते हो TRC मिलने के बाद। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हो वो कमेंट करना, मैं आपको कंसल्टेंसी का नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं जॉब पोस्ट करता रहता हूँ।